टेस्ट और रुकावटें भी थी, क्या कहेंगे सर? देखिए, कंटेनर स्थान बन चुका है और हमारी तो इसलिए भी जो हमारा प्रोटेस्ट था, हमारा एहतजाज था, हमारा जो ये मकसद था वो बिल्कुल कौम ने, मुल्क ने, सारी दुनिया ने देख लिया है। तो इसको अगर कंटेनर स्थान बना दिया है और आप देखेंगे किस तरीके से आपके दारुल खिलाफे को महबूस कर दिया गया है, ये इस तरह भी दुनिया में कभी होता है? तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट जो है उनकी साइको पर, उनकी साइकी पर किस तरह से है कि वो बिल्कुल अब वो बैलेंस खो चुके हैं, वो बिल्कुल जो है मुतजलजल हो चुके हैं। ये हुकूमत के आखिरी दिन होते हैं जब इस तरह की हरकतें हुकूमतें करती हैं। तो हम तो चाहेंगे कि ये जो इमारत जिसके हम अजीम इमारत के नीचे खड़े हुए हैं, जिसमें आज एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जो जो आइनी तरमीम का रास्ता उस्तवार करके और ये जो है खरीदो फरोख की मंडी लगाने जा रहा है, ये काजी फैज ईसा साहब को, चीफ जस्टिस को कम अज़ कम खुदा का खौफ होना चाहिए कि मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने में मत जाओ, क्योंकि जब जब आइन से खिलवाड़ हुआ है इस मुल्क को नुकसान हुआ है, या मुल्क दोलख्त हुआ है या मुल्क को नुकसान। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि पहले तो कहा जाता था कि आसिफ जरदारी जो है सिंध हाउस में मंडियां लगाता है, तो आजकल आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मंडियां लग रही हैं? मंडी तो लगेगी, देखिए ना, जब ये फैसला हो जाएगा कि आपका वोट काउंट होगा, यही फैसला करने जा रहे हैं आज धक्के से। और ये हालांकि बेंच भी इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूटेड, ये ऑर्डिनेंस भी इलीगल है जो उसको चैलेंज किया हुआ है। काजी साहब खुद जो है 4 महीने अदालत में ही बैठे थे कि जी पहले उसका फैसला करो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। उसको क्रेडिट भी दे दिया, जवाब भी दे दिया सीनियर मोस्ट 2-3 जजेस की बेंच ने फैसला करना है, उस पर अब ऑर्डिनेंस करने के लिए अपनी जबिल्लत को मुसल्लम कर दिया आप, और उसके तहत जो है अपनी मनपसंद बेंचेस भी बना दी। तो और क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मंडी तो लगेगी, जब ये फैसला करेंगे तो मंडी तो लगाने वाले लगाएंगे जो भी उनकी कीमत। सर, आप लोगों का प्लान बी को यह है अगर ये मामला होता है अगेंस्ट आपके खिलाफ फैसला आता है? देखिए, हम तो मुल्क बचाने के लिए, हम तो आइन को बचाने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए तमाम ही कोशिशें करेंगे, लेकिन क्या ये लोग मुहिब वतन हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? क्या 1971 के सानहे से आप भूल गए? क्या आप चाहते हैं कि फिर अफरा तफरी हो और वही बांग्लादेश वाला लोग बाहर निकलें और फिर आपको जो है घरों से निकाल के और ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल के आपको बाहर करें? क्या ये आप चाहते हैं कि फिर आपको पनाह भी कहीं ना मिली? देखें, अशराफिया का क्या है, चाहे वो अशराफिया एस्टेब्लिशमेंट की है, चाहे अशराफिया ब्यूरोक्रेसी की है, चाहे अशराफिया ये अदलिया की है, चाहे अशराफिया जो है सियासतदानों की है, उनके तो सारे जो है बाहर हैं, सारे उनकी औलादें बाहर हैं, इनकी जागीरें बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनके घर बार बाहर हैं, ये तो उड़ के चले जाएंगे मुल्क को तबाह हाली में छोड़ के, ये तो भाग जाएंगे इस मुल्क को। लेकिन ये बेचारी 25 करोड़ आवाम जो है ये तो बिलक रही है। आप देखें कि धरती मां को जिस तरह लूटा गया है अशराफिया ने, और उसकी लूट मार ही के तसलसल और तवातर के लिए ये सारा कुछ जो है किया जा रहा है। अच्छा, खुसरो साहब, साजी भी और ये फैसले भी इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि इनको मोहलत मिले और ये मजीद लूट सके। इमरान खान साहब ने जुम्मे को कॉल दी थी, कंटेनर अभी से लगे हुए पूरा पिंडी ठंडापुर तक कंटेनर ही कंटेनर लगे हुए, तो क्या वजह इतने खुफजदा क्यों है मुताबिक? इसलिए कि उनकी आवाम के अंदर पजीराई नहीं है। एक चीफ जस्टिस अगर दुकान पे जाता है डोनट लेने के लिए तो उसको लानत भेजी जाती है और फिर उससे सोशल बायकॉट करके उसको वो सौदा बेचा नहीं जाता है। तो ये क्या इनको नविश्ता दीवार नजर नहीं आ रहा है कि लोगों का गम गुस्सा गैज़ो गज़ब ये फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं है, ये उस अशराफिया के खिलाफ है जिन्होंने कब्जा करके गासिबाना और आवाम को हकूक से महरूम करके सलब कर रखा है। तो ये डरें उस दिन से, खुदा का खौफ करें, और जिस दिन आपको जो है निकाल बाहर किया जाएगा, हम तो एक पुरअमन तहरीक के जरिए चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से जो है मामलात आइन के ताबे जो है हल हों और अदलिया आज़ाद होकर फैसले करे और लोगों के अवाम और हुकूक जो है उनको मुयस्सर। एक सीनियर कानूनदान है, आपको लगता है चीफ जस्टिस साहब अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद भी मजीद रहना चाहते हैं? सारा फसाद और